असलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज बहुत ज्यादा बर्फबारी थी तो बहुत ज्यादा हमने एंजॉय भी किया और हम मतलब ऐसे खेल रहे थे बर्फ में। तो अब हम घर पे ही थे दिन भर, मैंने सोचा थोड़ी सी पढ़ाई कर ली जाए और पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा क्यों ना हम एक अच्छा सा वीडियो बनाए, जिसमें मैंने सोचा कि हम एक ऐसा क्वेश्चन होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं, जो हमें दिखने में बहुत ज्यादा ईजी लगते हैं बट एक्चुअल में वो उससे कहीं ज्यादा टफ होते हैं। तो आज मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन लाया है जो दिखने में बहुत इजी है लेकिन करने में इतना इजी नहीं। और जैसे कि हमने ये अपने पोस्ट इसको जो है हमने चढ़ाया था अपने फेसबुक पेज पे, लेकिन बहुत सारों का जो आंसर था वो गलत था, इसलिए मैं सोचा क्यों ना आज हम इसका सही आंसर विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप सब तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा ये पहला जो है वन एप्पल प्लस वन एप्पल प्लस वन एप्पल इज इक्वल टू 30, यानी कि तीन एप्पल होते हैं 30। तो अगर हमें एक एप्पल की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें करना होगा 30 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि यहाँ पर 3 एप्पल्स है और जो इनका हमें सम आ रहा है वो है 30, इसलिए हम 30 को 3 से डिवाइड करेंगे जो होता है 10। यानी कि जो एक एप्पल है, यानी कि जो एक एप्पल है इसकी वैल्यू होती है 10। जब हमारे एक एप्पल की वैल्यू 10 है, दूसरे एप्पल की भी 10 है, तीसरे एप्पल की भी 10 है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 हो जाएगा 30। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे पेज को फॉलो नहीं करते और हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते। जैसे कि जो पिछला मैथ का वीडियो था उसमें अराउंड 2K के व्यूज है, लेकिन उनमें मसला ये है कि ना ज्यादा फॉलोवर बढ़े ना हमारे कुछ ज्यादा लाइक्स है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए और अच्छे वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है दूसरा वाला। जैसे कि हमें पता है कि एप्पल की वैल्यू जो है वो 10 है, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद जो है हमारे पास है 2 केले के गुच्छे, यानी कि 10 हमारे पास ऑलरेडी है। जब हम इन तीनों को प्लस करते हैं, यानी कि एक एप्पल और एक गुच्छा केले का और एक और गुच्छा केले का, तो वो 18 आता है। 10 हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि इन दोनों का मिला के 8 आता है, तो ये कितने हैं 2। अब हमारे पास 2 गुच्छे हैं केले के जो 8 होते हैं, दैट मीन्स हमें अगर एक केले के गुच्छे का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 10 हमारे पास ऑलरेडी है और ये 2 है, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 जो कि होगा 4। यानी कि एक जो गुच्छा है केले का उसका वैल्यू है 4 और ऐसे ही इसका भी 4 है, तो 10 प्लस 4 प्लस 4 हो गया 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो ये हमारे पास केले का गुच्छा है, हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो 4 है, दैट मीन्स हम लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू 4 है, तो इसको अब हमें दैट मीन्स हमें ढूंढना क्या है, अब हमें इस कोकोनट की वैल्यू ढूंढनी है। जब हम इन 4 को हम माइनस कर रहे हैं ये, तो हमें 2 आ रहा है। जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में कर रहे थे, हम कैसे करते थे, वो एडिशन में थे, इसलिए हम द नंबर ऑफ एप्पल्स या बनानास जो हमने किए उसको हम डिवाइड कर रहे थे टोटल प्रोडक्ट से, लेकिन यहाँ पर हमारी डिफरेंस निकल रही है, इसलिए जो नंबर हमें पता है नंबर ऑफ बनाना को हम करेंगे डिफरेंस से डिवाइड, यानी कि हम करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2 जो कि आएगा 2। दैट मीन्स हमारा जो एक कोकोनट है इसका वैल्यू 2 है, 4 माइनस 2 होता है 2। अब हमने यहाँ तक के तो क्वेश्चन कर लिए जिनमें हमें आंसर ऑलरेडी देखे था, बस हमें वैल्यू फाइंड करनी थी एक की। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आया है जिसमें हमने वैल्यूज तो पता चल चुकी है लेकिन अब हमें इसका आंसर देना है। तो इसका सही आंसर जानने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने कमेंट में जो हमें आंसर दिए थे वो गलत थे, तो वो गलत हुए कैसे ये अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे हमारा पहला यहाँ पे है कोकोनट, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 है, लेकिन जहां पर जब हम ध्यान से देखेंगे तो 1 और 2, ये पूरा एक कोकोनट था जिसके 2 हिस्से किए गए थे, तो ये 2 था, यानी कि 1 की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर इस कोकोनट की वैल्यू 1 आएगी। बहुत सारे लोगों ने जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 दी थी। उसके बाद है एप्पल, एप्पल बिल्कुल वैसे ही है, उसकी वैल्यू 10 है। तो उसके बाद आते हैं हमारे बनानास, तो यहाँ पे जो बनानास का गुच्छा है इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर इन्होंने 4 दिया है, यहाँ पे हमारी वैल्यू 4 आई, यहाँ पे भी हमारी वैल्यू 4 आई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि यहाँ पे केले 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी केले 4 है, 1 2 3 4, और पूरे जो गुच्छा है उसको मिला के कितने आएंगे 4 4, यानी कि 1 की जो वैल्यू थी वो 1 थी,
बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तीन ही है और बहुत सारों ने यहाँ पर इसको फोर की वैल्यू दे दी जो कि गलत है। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू है थ्री, क्योंकि एक का अगर वैल्यू एक है तो तीन का वैल्यू थ्री आएगा। तो वन प्लस टेन प्लस थ्री होता है बराबर 14 के। किसी ने 16 कमेंट किया था, किसी ने 15 कमेंट किया था, लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर है वो कितना है, 10 प्लस 1 प्लस 3 जो कि होता है 14। तो फाइनली आधे कोकोनट की वैल्यू 1 प्लस एक एप्पल की वैल्यू 10 प्लस तीन केलों की वैल्यू 3 टोटल होता है 14। तो अब हम सबको पता चल चुकी है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। मैं ये नहीं कह रही कि सबने गलत आंसर दिया था, एक दो ने ठीक आंसर भी दिया था 14। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिन्होंने गलत आंसर दिया था। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, हमें इनको विद द एप्लीकेशन ऑफ माइंड सॉल्व करना होता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।